कालू को ना एक्सप्लेन करने के लिए ना डाउट सॉल्व करने के लिए मेरे को टाइम दिया जाता है, तो मैं कहां से लाके करूंगा? ठीक है, तो वो आप अपना, ना ही वो लोग हमको कोई बुक बुक देते हैं, अरे मुझे कैसे मालूम चलेगा उसके अंदर क्या है। तो मस्कुलर टिश्यू, तो इसका इसलिए वो आप खुद समझेंगे, कालू टेस्ट एंड कालू कंटेंट। तो ओरिजिन क्या है मस्कुलर टिश्यू का बताइए? मेसोडर्मल। ठीक है, तो मसल इज ऑल्सो ओरिजिनिंग फ्रॉम व्हाट? आपका मेसोडर्मल ओरिजिन। नाउ अब हम लोग जो मस्कुलर टिश्यू है उसको तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, वी कैन डिवाइड मस्कुलर टिश्यू। तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओके, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मैं तो आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो मैं पढ़ाता हूँ उसका भी आपको भेजा था लिंक्स, और आप लोग देखते नहीं हो, तो लाइक दैट, तो मैं भेज देता हूँ, बाकी आप करते कि नहीं वो अपना देखोगे। मैं भेजा था कि नहीं कल? यस सर। हाँ सर। तो मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ, बट आप लोग उसका यूज नहीं करोगे तो मेरा गलती थोड़ी है। चलिए, तो आपका तीन तरह का मसल्स है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के आधार पे हमारा तीन तरह का मसल्स होता है। ओके, तो जो मेन मसल है हमारा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। तो उसमें ए है स्केलेटल मसल्स। दूर यार, ये तुम लोग ज्वाइन करते रहोगे तो बस मैं बैठ बैठ के इसको मिटा पा रहा हूँ। तो स्केलेटल मसल्स देखो, फिर एक तो अनुभव सा हुआ आ गया। ओके, सो उसके बाद देख रहे हो कितना डिस्टर्ब है, मैंने अभी तक बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए, कोई बार बार आता रहता है। उसके बाद है विसेरल मसल्स, एंड कल से भी जो डायग्राम भी आपको दिखाया जाएगा वो एनसीईआरटी वाला ही दिखाया जाएगा, और जेसीईआरटी कोई डायग्राम भी नहीं मिलेगा आपको। कार्डियक मसल, ठीक है, तो ये हमारा तीन तरह का मसल है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब हम लोग स्केलेटल का डिटेलिंग करते हैं। Now, skeletal muscles हम किसको बोलेंगे? So these muscles are क्या associated with the क्या bones and help in the movement and locomotion of the body. Okay, so these muscles are associated with the bones and help in the movement and locomotion of the body. Understand? So, ये आपके body को हिलाने डुलाने के काम आता है। समझ आया कि नहीं? So, इसीलिए bracket में so their name, इसलिए उसका नाम क्यों skeletal पड़ा? क्योंकि वो skeleton के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। Okay? तापरे नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बोलिए? द एंटायर मसल फाइबर इज ए स्केलेटल मसल सेल। समझ रहे हो? अब आप खुद सोचो किसका वर्कलोड ज्यादा है इन तीनों मसल्स में, बताओ तो। ये जो तीनों मसल है किसका मसल्स का लोड ज्यादा है? स्केलेटल का ना कार्डियल का विसरल का? स्केलेटल। क्यों? स्केलेटल ज्यादा मसल्स होगा स्केलेटल का। ज्यादा मसल नहीं होगा गधो,
ये तुम्हारा 70 किलो का वजन ढोएगा, समझ रहे हो? जो स्केलेटल मसल्स है वो 70 kg का मसल ढोता है, बट जो विसरल मसल है तो आपका सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन लिवर होता है, स्किन छोड़ दो तो स्किन के अगर छोड़ दिया जाए तो लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, अराउंड 1 से 1.5 किलो का होता है, एंड हार्ट 150-200 ग्राम का होता है, एंड बॉडी 70 किलो का होता है, तो किसको हिलाना मुश्किल है? बॉडी, बॉडी को। तो इसलिए तो आप यूनाइटेड वी स्टे डिवाइडेड वी फॉल, ये तो आप पढ़े ही होंगे। इसीलिए क्या हुआ कि जो स्केलेटल मसल्स है दीज आर क्या सिंसिशियल, मतलब क्या है मल्टी न्यूक्लिएट है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सिंसिशियल का मतलब क्या है, जिसमें सेप्टा नहीं होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसिशियल, जिसमें सेप्टा नहीं होगा, तो देयर विल बी नो सेप्टा, ओके, सो दीज आर सिंसिशियल इन ऑर्डर टू टेक द स्ट्रेंथ, ओके, या टू टेक द लोड, टू टेक द लोड और स्ट्रेंथ, ओके, ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए पूरा का पूरा, सपोज आप एक बकरे का टांग खा रहे हो, एक फाइबर निकालो, उसको खींचते चलो, खींचते चलो, खींचते चलो, खींचते चलो, तो जब तक वो निकलेगा, जितना लंबा निकलेगा वो एक सिंगल सेल है, ओके, सो द एंटायर मसल फाइबर इज ए स्केलेटल मसल सेल, ठीक है? नाउ ऑलमोस्ट द एंटायर वॉल्यूम इज फिल्ड विथ क्या माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये आप जब सेल पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसको हम मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। आपका सर क्या शुरू किया अभी, जो बॉटनी सर, मॉर्फोलॉजी? हाँ सर, मॉर्फोलॉजी चल रहा है, रूट्स वगैरह चल रहा है सर। हाँ, क्योंकि अगर सेल पढ़े होते तो समझ में आता माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है। सर नहीं पढ़े नहीं। हाँ तो वेरी गुड, आप मत पढ़ो, बट मेरा वीडियोस है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो भाई, अगर आपका चाह है तो आप बहुत कंपोनेंट माइक्रोस्केलेटल आप पढ़ सकते हो। सो ऑलमोस्ट द एंटायर वॉल्यूम अगर आपका मसल सेल ले लें तो 90% तो सिर्फ माइक्रोफिलामेंट ही होता है। ऑलमोस्ट द एंटायर वॉल्यूम इज फिल्ड विथ मायोफिलामेंट्स, सो दीज हेल्प इन गिविंग स्ट्रेंथ टू द मसल्स, ओके, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड आर एसोसिएटेड विथ क्या, एंड आर एसोसिएटेड विथ व्हाट, मायोसिन प्रोटीन, एंड आर एसोसिएटेड मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन हैला, सो एंड दे आर एसोसिएटेड विद मायोसिन प्रोटीन। तापरे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज SER, व्हाट इज SER, बोलिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसको मसल में हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अलग से टिश्यू नहीं पढ़ाता, मैं इसको मसल में पढ़ा देता, पर अभी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा, 2-2.5 महीने बाद मसल आएगा, तो अब आपका ब्रेक हो जाएगा बहुत, तो इसीलिए
अब आप लोग समझोगे और क्या। तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन इज एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज क्यों 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 एज इट इज ए कैल्शियम बैंक, इट प्रोवाइड्स कैल्शियम फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, अब जगह नहीं है, अब तो जगह नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ वॉल्यूम, दे आर deficient in mitochondria. Okay, so due to lack of volume, they are deficient in mitochondria. So fatigue you early. इसलिए वो जल्दी से pain करने लगता है। क्यों? So they fatigue you early. क्यों बोलिए? Due to anaerobic respiration. Okay, so समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जितना लैक्टिक एसिड जमा होगा उतना दर्द होगा। ये सब आप पढ़े हो कि नहीं लैक्टिक एसिड फैक्टिक एसिड के बारे में? Yes sir. Yes sir. हाँ सर, हाँ सर। तो इसलिए आपके आकर आपके बॉडी में जब भी दर्द होता है उसका कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। तो अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो दर्द होगा, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, सो ड्यू टू लैक ऑफ वॉल्यूम दे आर डेफिशिएंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो फैटिग अर्ली। नाउ ब्लड सप्लाई इज आल्सो वेरी लेस, तो आपको स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होता है। सो दे respire and अरे यार तुम लोग क्या करते हो? So क्या ब्लड सप्लाई also very less, so respire anaerobically. Okay, hence fatigue early. तो देख रहे हो, तो वो क्यों जल्दी थक जाता है, क्यों आपके जल्दी दर्द होता है? क्योंकि आपका एक तो ऑक्सीजन की कमी है। क्यों ऑक्सीजन की कमी है? क्योंकि ब्लड सप्लाई की कमी है। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी इन ब्लड सप्लाई देयर इज डेफिशिएंसी इन व्हाट? देयर इज डेफिशिएंसी इन योर ऑक्सीजन, एंड इसीलिए आपका ये जल्दी फैटिग कर जाता है। ओके, तो लाइक दैट। अब आ जाइए विसरल मसल्स। नाउ दे आर एसोसिएटेड विथ द विसरल ऑर्गन्स, ठीक है? तो दे आर एसोसिएटेड विथ द विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टोमैक, लंग्स, किडनी एटसेट्रा। ओके, किडनी, ओवरी एटसेट्रा, ठीक है? सो इनके साथ ये एसोसिएटेड है, हेंस देयर नेम। ओके, हेंस देयर नेम, ठीक ही था ना? देयर, हेंस देयर नेम। उनके नाम के पीछे क्या कारण है? आपका ये विसरल ऑर्गन से एसोसिएटेड है। नाउ दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। ओके, सो इनवॉलंटरी। ओके, तो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, समझे? तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पक, बंद करो लीवर, बंद करो लीवर। तो क्या आप लीवर को बंद कर सकते हो? नहीं सर।
नहीं तो इसीलिए वो आपका बात सुनने वाला नहीं है। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, तो कर सकते हो? हाँ सर। yes, तो ये आपके कंट्रोल में है, समझ रहे हो? सो लाइक दैट, तो इसीलिए ये जो है आपका इनवॉलंटरी है, ये कंट्रोल ऑफ विल में नहीं है। नाउ दीज आर यूनिसेल्यूलर एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो ये यूनिसेल्यूलर है एंड यूनिन्यूक्लिएट है। ओके, सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस कॉमा स्पिंडल शेप। इनका शेप कैसा है? स्पिंडल जैसा। ओके, स्पिंडल शेप। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस देयर वर्कलोड इज लेस एज कंपेयर्ड टू द स्केलेटल मसल, दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोफिलामेंट। समझ रहे हो? तो उनका वर्कलोड कम है तो इसलिए माइक्रोफिलामेंट कम है। ओके, सिंस दे आर दिस दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोफिलामेंट। Fine, so they are deficient in microfilament. Okay, so skeletal. ठीक है, तो उनके पास microfilaments कम होता है, hence they appear क्या? Hence they appear unstriated या अनस्ट्राइप, समझ रहे हो? जबकि ये जो है ये स्ट्राइटेड होता है, स्ट्राइटेड मसल्स। ओके, तो स्ट्राइटेड मसल्स का मतलब क्या है? उनमें बैंड्स होते हैं, धारियां होती हैं। ओके, दे हैव स्ट्राइशंस, बट इसमें आपका स्ट्राइशंस नहीं होता है, अंडरस्टैंड? तो इसमें देयर इज नो स्ट्राइशंस। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका माइक्रोफिलामेंट्स कम है। सो द स्केलेटल मसल्स, ओके, दीज आर यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट स्पिंडल शेप, सिंस देयर वर्कलोड इज लेस एज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल्स, दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोफिलामेंट एंड दे अपीयर अनस्ट्राइटेड अनस्ट्राइट। ठीक है, नाउ volume is available, they are rich in mitochondria. Okay, so they are rich in mitochondria. So मैं अब जगह है तो mitochondria रख लो। Since volume is available, they are rich in mitochondria. Hence, they respire aerobically. Okay, hence they respire aerobically, and so they never fatigue. So generally, इनमें fatigue नहीं होता है, दर्द नहीं होता। Okay, तापरे ब्लड सप्लाई, ओके, इज मोर, सो देयर इज रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें काफी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, नाउ सोर्स ऑफ कैल्शियम इज ICF एंड ECF। हो गया, चलिए तो इसी को कॉपी कर। सर, ICF ECF क्या है? वो मुझे मालूम नहीं, इतना मालूम होने से मैं डॉक्टर नहीं हो जाता।
चलो कुछ नहीं जानोगे तो फिर इतना प्लस टू कैसे आ गए तुम लोग, ये तो पांचवी क्लास का पढ़ाई है, ऐसा नीचे जा रहा है ना। सो दे आर एसोसिएट, कार्डियक मसल्स कहाँ मिलेगा? ओनली हार्ट में। सो दे आर एसोसिएटेड विद द हार्ट एंड ओरिजिन ऑफ मेजर आवर, ओके, हेंस देयर नेम। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, सो इनवॉलेंट्री। दीज आर यूनिसेल्यूलर एंड यूनिन्यूक्लिएट, ओके, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इन देयर शेप, ओके, सिलिंड्रिकल इन देयर शेप, कॉमा ब्रांच। तो ये ब्रांच होता है, अभी तक हमने ब्रांचिंग का सुना नहीं है, बट कार्डियक मसल ब्रांच होता है। सो सिंस देयर रिच इन कंपेयर टू स्केलेटल, दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोफिलामेंट, ओके, दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोफिलामेंट, हेंस दे अपीयर अनस्ट्रैटेड, दे नहीं, सिंस दे आर डेफिशिएंट, वर्कलोड इज लेस एज कंपेयर टू, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस देयर वर्कलोड इज लेस, दे आर डेफिशिएंट इन माइक्रोफिलामेंट, फुल स्टॉप, ओके, but they are still striated, okay, क्यों? Due to intercalated discs। तो समझ रहे हो, तो इनमें आपका microfilament कम होता है, तो ये unstriated होना चाहिए, but ये striated है, तो क्यों striated है? क्योंकि ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, तो इसलिए उसको एक डार्क अपीयरेंस मिलता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? सो आर डार्क, फाइन। तो जहां इंटरकैलेटेड डिस्क होगा वो डार्क होगा, जहां नहीं होगा वो लाइट होगा, ठीक है जी। नाउ सिंस वॉल्यूम इज अवेलेबल, okay, since volume is available, they are rich in mitochondria, hence they respire aerobically. इसको थोड़ा छोटा कर देने से होगा। एक्चुअली इसमें एक बीच का फॉन्ट नहीं है, 14 है या 18 है, तो एक तो छोटा हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है, क्या करेंगे बताओ, इस तरह से बोल देते, ठीक है। तो हो गया, सिंस वॉल्यूम इज अवेलेबल, दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस दे रेस्पायर एरोबिकली, सो दे नेवर फटीग, ब्लड सप्लाई इज मोर, सो देयर इज दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ओके, सो दे रेस्पायर एरोबिकली एंड सो दे डू नॉट फटीग, है कि नहीं। उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है, कार्डियक मसल्स महाअभद्र होते हैं, कार्डियक मसल्स आल्सो यूज लैक्टिक एसिड टू डिराइव एनर्जी। तो वो इतना अभद्र है कि लैक्टिक एसिड से भी एनर्जी बना देगा, सो दे नेवर फैटी। तो इसीलिए जो भूमि है, भूमि को देखकर जो गाना गा रहा था, दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा है, तो एक्चुअली भूमि उसको गाइड करो कि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, वो भी जेजेस की, ये तुम्हारे बेवकूफी में नहीं आती, क्योंकि दिल में दर्द नहीं होता है, वो फैटीग नहीं करता है। अगर तुम्हारा दर्द हो रहा है बेटा, मरने वाले हो, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाओ, समझे भाई। जब हार्ट में पेन होगा ही नहीं तो इसका दर्द कैसे हो रहा है, बोलो गिरिजा, तो ये मरने वाला है कि नहीं? सो दैट इज द केस। हाँ सर, तो इसीलिए दिल सर, में ऐसे दर्द, सर ये हार्ट अटैक वगैरह का केस है क्या? हाँ, तो जब यस, तो इसलिए अगर भूमि को देखकर
कोई गाना गा रहा है कि दिल में दर्द सा उठा है, तो उसको देखकर दूसरे लड़के बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि अब तो ये टपक जाएगा भूमि मेरी, तो इसीलिए समझ में आया। तो इसीलिए आप कोई अगर तुम्हारे सामने दिल में दर्द सा उठाए गाना गाए तो उसको समझा देना कि बेटा हम लोग जेजेएस के स्टूडेंट है तो हमारे यहाँ दर्द वर्द का चक्कर नहीं चलता है, अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो तू भाड़ में जा मर जा, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो, मेरा जिंदगी क्यों खा रहे हो, है कि नहीं। तो उसी से शादी करना जिसके दिल में दर्द ना हो, क्योंकि अगर दिल में दर्द हो रहा है इसमें तो उसका हार्ट अटैक होने वाला है, अब टपक जाएगा तो बेकार में तुम भी फंस जाओगे ना। तो इसलिए अगर कोई दिल में दर्द सा है गाना गा रहा है उसको बिल्कुल लव मत करो ना, क्या बोल रहे भूमि बताओ। यस सर। हाँ तो इसलिए अच्छा जो बायोलॉजिकल गाना गाए उसी से लव करना है। चलिए और बोलिए, तो वी हैव लेस देन वन मिनट तो वी विल डिस्कस, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे बात करेंगे।